क्लास एट मैथमेटिक्स में आजकल हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 8.3 लेकर चल रहे हैं। आप जैसा देखे होंगे पिछले वीडियो में मैंने करीब क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट आपको सॉल्व किए थे। इस वीडियो में बाकी क्वेश्चन को ही हमें सॉल्व करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ब्लास्ट पार्ट बचा था ई पार्ट है ना, तो इसमें आपके पास प्रिंसिपल देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 1 ईयर्स 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। मतलब सारे चीजें देखिए हाफ ईयरली कंपाउंडेड किया जा रहा है। ये 8% पर एनम आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवेन है और टाइम इज 1 ईयर्स है। तो सबसे पहले सबको हम हाफ ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब 1 ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी हाफ ईयर्स एंड 8% पर एनम इज रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसको भी हाफ में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब इसका आधा कर दीजिए, तो यह आपके हाफ ईयरली कंपाउंडेड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो मिल जाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आपने पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आराम से देख लिए होंगे और वो भी इजिली सॉल्व हो गया होगा। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए प्रिंसिपल द वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू 10,000 आपको दिया है, 10,000 है ठीक है ना। एंड टाइम इज इक्वल टू, अगर बात कर लें टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर दिया है, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है। एंड 1 ईयर इज इक्वल टू 2 हाफ ईयर हो जाएंगे, ये ना होगा 1 ईयर में कितना होगा 2 हाफ ईयर, मतलब 6 प्लस 6 मंथ का ठीक है। तो एन इज इक्वल टू आपको 2 मिल गया, 2 हाफ ईयर हो गए। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू 8% पर एनम मेंशन किया है, 8% पर एनम है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम देखें तो 8 का हाफ कर दें, विच इज इक्वल टू 4% पर हाफ ईयरली हो जाएंगे, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 4%। नाउ अब फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, फार्मूला आपको पता ही होगा, क्या है फार्मूला हमारे पास, अमाउंट इज इक्वल टू पी एंड 1 प्लस R/100 एंड होल टू द पावर एन, एंड प्रिंसिपल इज गिवन, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10,000 था, तो आप लिख दीजिए 10,000 एंड 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम है, पर हाफ ईयरली है, तो यहाँ आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 4/100 एंड एन इज इक्वल टू टाइम, टाइम इज इक्वल टू कितना है 2 ईयर्स है, 2 हाफ ईयर्स है, तो आप लिख दीजिए 2 और कैलकुलेशन कर ले तो ये 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। और मेरे हिसाब से इसको बार बार हम लोग कैंसिल करते आ रहे हैं, तो 25 और इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए, 25 एंड प्लस 126 विच इज इक्वल टू 26/25 का होल स्क्वायर। नाउ इसको हम लिख सकते हैं कितना भाई, 10,000 × 26/25 एंड नेक्स्ट इज 26/25 बिकॉज स्क्वायर किया गया है ना, तो हम इसको दो बार लिख दिए। अब 25 से कैंसिल कर लेते हैं, तो 25 × 25 एंड 25 × 4 = 100, बट यहाँ पर 10,000 तो 2 जीरो बच जाएगा अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो। और नेक्स्ट फिर आप देख लें और फिर से इसको डिवाइड कर लें, या तो हम इसको 5 से कर लेते तो 5 हो जाएगा एंड 5 × 40 ठीक है ना। एंड नेक्स्ट इज 5 16 है ना, 16 × 5 = 5 एंड 5 6 = 30। तो हमारे पास जो मिल गया वो मिल गया 16 × 26 × 26। नाउ 16 × 26 एंड 26 का मल्टीप्लाई करना ताकि टोटल अमाउंट मिल जाए, तो चलिए एक बार मल्टीप्लाई करते हैं 16, 26 एंड 26 का। सबसे पहले 16 × 26 = 36, 6 is 36 and 6 1 = 6 plus 3 9 एंड 2 6 are 12, 2 1 are 2, 1 3, नाउ 6 9 2 11 एंड 3 1 4। और अगेन 26 से मल्टीप्लाई करना, तो एक बार इसमें फिर से 26 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 is 36 एंड 6 1 are 6 plus 3 9 एंड 6 4 are 24। चलिए देखते हैं कौन सबसे तेज मल्टीप्लाई करता है, ठीक है आप मुझसे पहले देखिए कर पाते कि नहीं, 2 6 are 12, 2 1 are 2, 1 3 एंड 2 4 are 8 ओके। नाउ 6 9 2 11 4 3 7 1 8 8 2 10, ये आ गया मेरा 10,816। आप लोग मल्टीप्लाई किए होंगे, देख लीजिएगा 10,816 आपके आ गए, क्या आ गए, अमाउंट इज इक्वल टू इतना रुपीज आ गया। नाउ मैं अपने मल्टीप्लाई को रब करता हूँ और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना, तो नेक्स्ट लाइन हम कंपाउंड इंटरेस्ट को लिख लेते हैं ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो चलिए लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, एंड अमाउंट इज इक्वल टू 10,816 रुपीज़ है, 10,816 एंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज 10,000 है, मतलब 2 हाफ ईयर में 8% के हिसाब से 4%
4% के हिसाब से हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, तो हम लिखेंगे ये आ जाएगा 10,000 और डिफरेंस कर लेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 816 रुपीज़। हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज़ पहले लिख दिया करते हैं, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 10,000 रुपीज़ के हिसाब से, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू लेकर। अब क्वेश्चन नंबर टू है, कमला बोरो 26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाई ए स्कूटर एट ए रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड व्हाट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स एंड 4 मंथ टू क्लियर द लोन। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि कमला 26,400 रुपीज बोरो करती, मतलब उधार लेती किससे, बैंक से, और एक स्कूटर परचेज करने के लिए, ठीक है। नाउ एट ए रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली, मतलब जो अमाउंट ले रही है उस पर ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। कितना है? 15% पर एनम, पर एनम मीन्स ईयरली आपके 15% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब अगर 100 रुपीज है तो 15% उसका 15 रुपये हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही 26,400 रुपीज पर 15% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर लगाया गया है। तो पूछा है व्हाट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स एंड 4 मंथ। अगर वो अपने जो उधार पैसा ले रही है, जो अमाउंट ले रही बैंक से 26,400 रुपीज, अगर उसको पेमेंट देना चाह रही, बैंक को वापस करना चाहेगी 2 साल 4 महीने, मतलब 2 ईयर्स 4 मंथ में, तो उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। पूछा ना व्हाट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स एंड 4 मंथ। अगर आप क्वेश्चन को पूरा देखते हैं तो यहां पर जो पैसा ले रही, जो बैंक से पैसा ले रही, उधार जो पैसा लेती है, वह बोरोड मनी 26,400 है, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है। तो यहाँ पर हम अगर सोल्यूशन की बात करें, सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन में, तो प्रिंसिपल अमाउंट P इज इक्वल टू 26,400 है, P इज इक्वल टू 26,400 रुपीज़ जो बैंक से उधार ले रही है, और किस रेट से ले रही है, एट द रेट ऑफ 15%। ये जो आपको दिया है वो पर एनम है, ठीक है ना, पर एनम मीन्स पर ईयर की बात कर रहा है, हर एक साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। एंड टाइम इज इक्वल टू, अगर बात करें टाइम इज इक्वल टू, जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू कितना है, 2 ईयर्स एंड 4 मंथ है, 2 ईयर्स एंड 4 मंथ है, ठीक है। 2 ईयर एंड 4 मंथ को अगर कंप्लीट ईयर में कन्वर्ट करना हो तो आप देखिए जरा, 2 ईयर तो है ही एंड प्लस 4 मंथ है, और आप जानते हैं कि 1 ईयर इज इक्वल टू कितना मंथ होता भाई, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ होते हैं ना। तो 1 मंथ इज इक्वल टू कितना होगा, 1 मंथ इज इक्वल टू 1/12 ईयर हो जाएंगे, ठीक है। 1 मंथ में कितना ईयर होगा, 1/12 ईयर हो जाएंगे। तो हम अगर बात करें कि 4 मंथ में कितना ईयर होगा, तो 4 मंथ इज इक्वल टू 4/12 ईयर, और 4/12 ईयर मीन्स 1/3 ईयर आ जाएंगे। तो यहां पर हमने 2 ईयर प्लस 4 मंथ है, 2 ईयर एंड 4 मंथ को मैं लिख सकता हूं 2 ईयर प्लस 4 मंथ इज इक्वल टू 4 मंथ इज इक्वल टू 1/3 ईयर, 2 ईयर प्लस 1/3 ईयर, या 2 ईयर एंड लिख सकते हैं, तो लिखना चाहे तो लिख लीजिए, यहां 2 ईयर एंड, मैं पहले इसको इस तरह से लिख देता हूं, एंड 1/3 ईयर, या हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 1/3 लिखना चाहे तो, ठीक है ना, 2 प्लस 2 ईयर भाई, 2 साल और 4 महीने हो गया, तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, या तो 2 एंड 1/3 लिख दीजिए, 2 एंड 1/3, बात तो यही हो जाती है ना, 3 2 6 + 1 7, एंड नेक्स्ट 3 2 6 + 1 7, तो इतना ईयर हो जाएगा। और ईयर जो दिया है वो फ्रैक्शन में है, क्या है, फ्रैक्शन में, देखिए यहाँ है ना, 2 एंड 1/3 ईयर का मतलब 2 ईयर तो कंप्लीट है, 1/3 फ्रैक्शन में है। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया कि जब आपके जो टाइम आपके फ्रैक्शन में गिवन होगा, तो उस समय अमाउंट निकालने का जो फार्मूला हुआ करता था, अमाउंट इज इक्वल टू, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यह हो जाता कितना, पी 1 प्लस
और मैंने बताया जो होल नंबर्स होंगे वह तो आपकी इसके पावर में आ जाएंगे, लेकिन जो फ्रैक्शन में होगा उसको हम फ्रैक्शन में ही लिखकर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 years and 1/3 years को हमने लिख दिए 2 years and 1/3 को फ्रैक्शन में लिख दिए गए, तो फ्रैक्शन वाला पार्ट 1/3% ऑफ 1/3 आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया करते हैं, ये फॉर्मूला आपको बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रिंसिपल कितना है भाई, देखिए प्रिंसिपल है 26,401 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 15% का होल स्क्वायर एंड 1 plus 1/3 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% है, सो यहाँ पर हो जाएंगे 15/100। ठीक है, कैलकुलेशन अगर करते हैं इसको तो कितना आ जाएगा 26,400 इसको थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं ना, तो कितना हो जाएगा देखिए 5 3 15 एंड 5 2 10 मतलब अगर एलसीएम ले लें इसका तो 21 20 + 3 दैट मीन्स ये हो जाएगा 23/20 का होल स्क्वायर, देखिए 21 20 एंड प्लस 3 एंड नेक्स्ट वन इज 3 5 15 ये 5 से आप इस 5 से इस 100 को कैंसिल कर लें तो 20 बच जाएगा, तो ये जो टोटल बचेगा वो बचेगा 1 plus 1/20 बचेगा, 1 plus 1/20 बचा, हम इसको भी एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेशन हम यहाँ पार्ट में करते हैं आप, ठीक है, तो देखिए 26,400 है हमारे पास, 26,400 इंटू 23/20 है होल स्क्वायर है, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं 23/20 इंटू 23/20 दो बार है स्क्वायर में को दो बार लिख देते हैं, बाकी बचा 1 plus 1/20 तो 21 20 एंड प्लस 1 21 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटू 21/20। ठीक है 21/20 नाउ आप जीरो से कैंसिल करिए पहले, तो जीरो को इस जीरो से इसको कैंसिल कर लीजिए, अब ये 2 से कैंसिल करिए 2 1 2 3 6 एंड 2 2 4 नेक्स्ट इस 2 से कैंसिल कीजिए 2 6 12 एंड 3 6 12 और अगला अगर आप 20 मतलब 10 से भी कैंसिल करेंगे तो ये 10 आ जाएगा और ये कितना आएगा 33 आ जाएंगे, तो टोटल अगर देखा जाए तो डिजिट हमारे पास आ जाएगी 33 23 21/10, वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम तो सबको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अमाउंट फाइंड करने के लिए, तो इजीली आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 33 एंड 23 आप मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए, देखते हैं कौन मल्टीप्लाई तेजी से करता है 3 3 9 एंड 3 3 9 2 3 6 2 3 6 नाउ 9 9 6 15 6 1 7 अगेन मल्टीप्लाई करते हैं 23 से 9 3 9 27 3 5 15 15 + 2 17 3 7 21 एंड 22 एंड 2 9 18 2 5 10 1 11 ओके एंड 2 7 14 1 15 7 8 7 15 2 1 3 1 4 5 2 7 ये आ गया 1 7 4 5 7 अगेन इसमें 21 का मल्टीप्लाई होगा, एक बार 23 दूसरी बार 23 होगा, 21 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 7 5 4 7 1 2 7 14 एंड 2 5 10 1 11 एंड 2 4 8 1 9 एंड 2 7 14 2 1 2 1 3 7 5 4 9 4 1 5 9 7 16 एंड 4 1 5 1 6 एंड 3, तो हमने अगर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल हमारा मल्टीप्लाई आ गया 366, टोटल कितना आ गया 366 हमने इसको लिख देते हैं पहले रुकिए एसओ है ना, मल्टीप्लाई हमारा हो गया था 366 एंड 5 9 7 upon 10 एंड 10 से अगर डिवाइड करते तो डेसिमल 1 प्लेस पर लग जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, तो डेसिमल डिवीजन आप लोग जानते होंगे क्लास 7th में पढ़े भी थे, तो ये आ जाएगा 36,659.7 इतना रुपीज आ गया अमाउंट, और यहाँ पर 3 lakhs में आया था तो कम अमाउंट आपसे पूछा गया था, अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 36,659.7, तो टोटल अमाउंट आफ्टर व्हाट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months, तो सी विल पे एट द सी विल पे टोटल अमाउंट 36,659.7 रुपीज व्हेन सी टेक्स बोरोड एट 26,400 रुपीज फ्रॉम बैंक, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लेकर, क्वेश्चन नंबर 3 है फवीना बोरोज रुपीज
12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. Who pays more interest and by how much? तो क्वेश्चन को आप तो देख लीजिए, एक बार मैं हिंदी मीनिंग बता देता हूँ कि फवीना 12,500 रुपीज 12% पर एनम 3 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर कोई पैसा उधार ले रही है ना, मनी किसी से लेती है, और उसी के साथ साथ राधा भी 12,500 रुपीज लेता है किसी से उधार, सॉरी लेती हैं, राधा भी किसी से 12,500 रुपीज उधार लेते हैं, बोरोस करती हैं एट द रेट ऑफ, देखिए लिखा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, बट टाइमिंग आपकी 3 साल के लिए इसका भी है, 3 ईयर्स के लिए राधा भी आप किसी से बोरो करती है 12,500 रुपीज। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है हु पे मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, कौन ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगा और कितना पे करेगा, तो दोनों का कंपेयर करना हमें। सबसे पहले एक ने, जैसे कि फबीना की बात कर रहे हैं, तो यह आपने 12,500 रुपीज जो अमाउंट ले रही है 12% रेट के हिसाब से, हम इसका सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पर इसका इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, और राधा के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, मतलब पहले अमाउंट देन आफ्टर कंपाउंड इंटरेस्ट, और फिर दोनों का देखते हैं किसका अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, कौन इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर रही है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले फॉर फबीना की बात करते हैं, सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं फबीना बोरो, तो यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर फबीना, नाम दे देते हैं, इससे हमें पहला कैलकुलेशन होगा कि हम फबीना के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका प्रिंसिपल अमाउंट जो है 12,500 रुपीज़ है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल टू 12% है। ठीक है, एंड टाइम पीरियड इज गिवेन, एन इज इक्वल टू 3 ईयर्स मेंशन किया है, टाइम पीरियड इज 3 ईयर्स है। अब आ जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट पर, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए देखिए, सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट जिसको SI से रिप्रेजेंट करते हैं उसका फार्मूला भी मैंने मेंशन किया था नोट करने के लिए, P इंटू R इंटू T, N फॉर टाइम भी होता है समटाइम्स, इसको T या कभी कभी N भी लिख दिया करते हैं। ठीक है ना, नोटेशन आप यूज कर सकते हैं कोई भी। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम टेकन बाय 100/100 हो जाएगा। तो यहाँ से SI की वैल्यू अगर फाइंड करें, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12% एंड टाइम पीरियड इज 3 ईयर्स/100। ओके, तो ये दोनों जीरो से आप कैंसिल कर लीजिए, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा भाई, देखिए आ जाएंगे 125 × 12 × 3 = 36। तो 125 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 125 × 36, सो 6 × 5 = 30 एंड 6 × 2 = 12 + 3 = 15 एंड 6 × 1 = 6 + 1 = 7, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6 = 1 = 7 एंड 3 × 1 = 3, सो 0, 5, 5, 10, 7, 7, 14, 1, 15 एंड 3, 1, 4। तो ये आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹4,500। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया फबीना के लिए जो कि 3 ईयर्स में पेमेंट करेगी, 4,500 रुपीज आ गया। ठीक है, अब हम अगला जो कैलकुलेशन करेंगे वह राधा के लिए शुरू करेंगे। तो यह आपका मल्टीप्लिकेशन था, इसको आप बॉक्स बनाकर कहीं भी नोट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे फॉर राधा। ओके, राधा के लिए अगर बात करें तो प्रिंसिपल अमाउंट P इज इक्वल टू सेम अमाउंट था 12,500, बिकॉज सेम अमाउंट की बात कर रहा। ठीक है ना, राधा के लिए भी बताया कितना कि प्रिंसिपल अमाउंट सेम है एंड सेम टाइम टेकन है। तो फबीना के लिए जो टाइम टेकन एन या जिसको हम टी किसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एन की वैल्यू या टी की वैल्यू 3 ईयर्स है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका चेंज है, यहाँ 10% था और यहाँ पर 12% था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल टू 10% दिया है। तो इसका इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे पहले अमाउंट। तो चलिए अमाउंट फाइंड करते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 एंड होल टू द पावर n, एंड प्रिंसिपल अमाउंट इज 12,500 एंड 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10%, सो 10/100 एंड टाइम टेकन इज 3 ईयर्स। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 10 × 1 = 10 एंड 10 × 10 = 100, सो
अमाउंट आ जाने के लिए 12,500 है। एलसीएम ले लीजिए इसका तो 10 + 1 = 10, 10 + 1 = 11। तो कैलकुलेशन आप लोग कीजिए, देखिए ये 11/10 एंड होल टू द पावर क्यूब हो जाएंगे। ये 3 times लिखा है तो हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं 3 times, है ना। तो ये हो जाएगा 12,500 इंटू 11/10 इंटू 11/10 एंड नेक्स्ट इज ऑल्सो 11/10। दोनों जीरो को कैंसिल कर लीजिए और बाकी जो बचेगा वो मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए मल्टीप्लाई करने कितनी 125 एंड 11 इंटू 11 कर लेंगे तो 121 मिल जाएगा। अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1331 आ जाएगा। अगर आपको मैं बता देता हूँ कि पहले 11 इंटू 11 121 हो गया और उसके बाद 11 से मल्टीप्लाई कर 10 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ मल्टीप्लाई भी यहाँ पर। तो यहाँ देखिए आ जाएंगे 125 और 11 इंटू 121 कर लीजिए तो आ जाएगा 11 × 1 = 11 एंड 11 × 2 = 22 एंड 123 एंड 11 × 11 + 2 = 13, 31/10 आ गया। अब क्या करना होगा, अब आपको मल्टीप्लाई तो करनी है तो 1331 का 125 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है इसमें, आप तो ये कितना आ जाएगा 5, 5 × 3 = 15 एंड 5 × 3 = 15 = 116, 5 × 1 = 5 and 1 = 6, नाउ 2 and 6 and 6 and 2 and 1, 3, 3 and 1, नाउ 5, 5 × 2 = 10, 6, 6 = 12, 1 = 13, 6, 6 = 12 + 3 = 15, 1 = 16 एंड 2, 3, 5 on 6 and 1, सो ये आ जाएगा 166,375। सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हमें जो अमाउंट मिला वो लिख लेते हैं, ये आ जाएंगे 375/10। हम मल्टीप्लाई को रब कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई तो आप लोग आराम से कर लेंगे, मैंने वहाँ पर सो भी कर दिया। अब उसको डेसिमल में डिवाइड कर लीजिए बिकॉज डिनोमिनेटर में 10 है, तो आप 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 1 place यूज हो जाएगा तो 37.5 इतने रुपीज़ आपको मिल गया, क्या अमाउंट मिल गया। नाउ हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, ये तो आपका आ गया विच इज इक्वल टू अमाउंट चल रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना आता भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट आपका है 16,637.5 माइनस प्रिंसिपल जो था 12,500 रुपीज़, जो उसने बोरो किए थे उधार लिए थे, वो मेन अमाउंट आपका प्रिंसिपल अमाउंट 12,500 है। तो हम इसको माइनस करते हैं 12,500 को, तो डिफरेंस करना जानते हैं, अगर नहीं तो यहाँ पर डेसिमल लगा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.5। नाउ 7 - 0 = 7 एंड 3 - 0 = 3, 6 × 1 = 6, 2 - 4 है ना, 6 - 2 = 4, सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4137.5 एंड हियर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4500 रुपीज़, ठीक है 4500 रुपीज़। तो विच वन इज मोर देन, तो सिंपल इंटरेस्ट इज मोर देन कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है इस रेट के हिसाब से, सो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज मोर देन कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड बाय हाउ मच पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट इज मोर देन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द डिफरेंस अगर पूछें द डिफरेंस बिटवीन देम, तो द डिफरेंस कितना आ जाए भाई, बाय हाउ मच पूछा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए जो ज़्यादा है, तो सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा है 4500, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4500 - 4137.5 डेसिमल का डिफरेंस आप लोग कीजिएगा, देखिए 10, 5, 5 आ जाएंगे, 9 - 7 = 2 एंड हियर इज ऑल्सो 9 - 3 = 6, नाउ 4 - 1 = 3, 362.5 रुपीज़ का डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है। तो आपसे पूछा भी था कि बाय हाउ मच हु पे मोर इंटरेस्ट, सो हु पे मोर इंटरेस्ट, सो फबीना फबी हु पे मोर इंटरेस्ट, सो सिंपल इंटरेस्ट इज मोर इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज मोर देन कंपाउंड इंटरेस्ट, सो फबीना पे मोर इंटरेस्ट देन राधा एंड बाय हाउ मच 362.5 रुपीज़ ज़्यादा पेमेंट कर रही है, कौन फबीना, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसका कम हो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट भी कम आया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन कंप्लीट है, आप एक बार नोट कीजिएंगे और फिर हम चलेंगे अगले वीडियो की तरफ।